हेलो दोस्तों, तो आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों 66 थिएटर में। दोस्तों फाइनली आप लोग के मन में भी ये जरूर ख्याल आता होगा जब आप ओला की टू व्हीलर्स जब आप परचेज करने जाते होंगे, तो दोस्तों आपके मन में ये ख्याल जरूर आता होगा कि जो अब पहली जनरेशन वन थी उससे अब जो जनरेशन टू आई है इन दोनों में कितना डिफरेंस है। दोस्तों ज्यादातर लोग खाली यही समझ पाते हैं कि आगे का जो टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है वो डबल हो चुका है, ड्यूअल हो चुका है इस वजह से, और जो फ्लैट बोर्ड है वो, और दूसरा ग्रैब हैंडल। दोस्तों आप लोग को खाली इतना ही देखने को मिलता है फिजिकली जब आप देखते हैं, लेकिन अंदर से और बाकी क्या क्या चेंजेस हुए हैं वो आप लोग को दोस्तों नहीं पता चल पाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं डिटेल कंपैरिजन कर रहा हूँ S1 जो फर्स्ट जनरेशन थी उसको लेकर के, प्रो वेरियंट जो है, और जो S1 का प्रो वेरियंट लेकिन सेकेंड जनरेशन है इसके बारे में। दोस्तों ये जो सेकेंड जनरेशन नाम क्यों दिया गया, सेकेंड जनरेशन मीन्स ये होता है कि अब जो इनके बन रहे हैं वो इनका एक सेकेंड प्लेटफॉर्म है, यानी कि अब जितने भी टू व्हीलर्स बन रहे हैं वो इनके नए प्लेटफॉर्म पर बन रहे हैं, इस वजह से उसको इन लोगों ने सेकेंड जनरेशन का नाम दिया है। दोस्तों इस जनरेशन में इन्होंने क्या किया, पूरी की पूरी गाड़ी का फ्रेम इन्होंने रीडिजाइन किया है, या इनफैक्ट आप ये कह सकते हैं कि पूरी की पूरी गाड़ी ही इन्होंने रीडिजाइन की है। बस जो अंतर है वो खाली लुक्स का अंतर इन्होंने किया है, लुक्स में, मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि इन्होंने लुक्स में कोई भी डिफरेंस नहीं किया, यानी कि जब आप फर्स्ट जनरेशन देखेंगे और जब आप सेकेंड जनरेशन देखेंगे तो लुक्स में आपको बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन दोस्तों जो अंदर का, यानी कि जो अंदर से जो आप लोग को नहीं दिखता है उसमें बहुत सारी चेंजेस किए गए। दोस्तों पहला जो डिफरेंस आपको आप लोग को मैं बता दूं वो ये है कि S1 Pro फर्स्ट जनरेशन कम से कम आता था 10 से 12 कलर में, लेकिन अब आपके पास कलर ऑप्शन बहुत ही मिनिमम हो चुके हैं, सिर्फ 5 कलर में S1 Pro का जो सेकेंड जनरेशन है वो अब आता है। दोस्तों फ्लैट फुटबोर्ड जो हुआ है वो क्यों हुआ है, क्योंकि जो बैटरी पैक है वो पूरा का पूरा रीडिजाइन किया गया है, बैटरी पैक रीडिजाइन किया गया, उसको थोड़ा हल्का बनाया गया है और साथ ही साथ में उसको थोड़ा और एफिशिएंट किया गया ताकि आपको रेंज ज्यादा मिले। इस वजह से आप देखते होंगे कि अब जो सेकेंड जनरेशन इसमें थोड़ी रेंज ज्यादा है। रेंज ज्यादा इसलिए भी है क्योंकि बॉडी जो है हमारे स्कूटर का जो बॉडी है उसको काफी लाइट बनाया गया इस बार, क्योंकि जो S1 Pro फर्स्ट जनरेशन था उसका वेट थोड़ा ज्यादा था, लेकिन अब जो सेकेंड जनरेशन है इसमें आपको 7 से 8 किलो वेट जो है वो कम हुआ है, इस वजह से जो रेंज है वो 15 किलोमीटर बढ़ गई है। दोस्तों दूसरा रेंज बढ़ने का कारण है MOVOS 4 आना, MOVOS 4 की वजह से इनका सिस्टम थोड़ा अपग्रेड हुआ है जिसकी वजह से आपको अच्छी एफिशिएंसी, दूसरा चीज रेंज, वो दोनों आपको मिलता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं जो बैटरी पैक की है, वो पूरा का पूरा रीडिजाइन किया गया है, वाटर प्रूफ बैटरी पैक है, साथ में उसको ऐसा बनाया गया है उसके अंदर से एक थिक इंसुलेटेड की कोटिंग की गई है बकाया, ताकि जो आपकी बैटरी है कभी भी आग या फायर वगैरह वो ना पकड़े, क्योंकि बहुत सारे केसेस आते हैं। ओला में अभी रिसेंटली भी आया था कि फायर का एक इंसिडेंट हुआ था, लेकिन इस वजह से इसको इतना सेफ बनाया गया ताकि फायर का कोई केस आपको देखने को ना मिले। दूसरा चीज दोस्तों जो आगे का डुअल सस्पेंशन किया गया वो इसीलिए किया गया क्योंकि पहले जब ओला फर्स्ट जनरेशन आता था उसमें सिंगल शॉक था जो कि टूटा था, काफी लोगों का टूटा था, हाँ 1-2% लोगों का वो ब्रेक हुआ था, लेकिन कंपनी ने उसको ध्यान में देते हुए उसको अपग्रेड करके इस बार चेंज कर दी। दोस्तों जो थर्ड सबसे जरूरी चीज है वो ये कि फ्रेम जो स्कूटर का है वो पूरा का पूरा रीडिजाइन किया गया है, जिसकी वजह से आपको ग्रैब हैंडल जो है वो एकदम नए देखने को मिलते हैं और काफी स्ट्रांग ग्रैब हैंडल इसमें दिए हैं। दोस्तों अब परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं, तो यानी कि जो मोटर है, मोटर को कम से कम 1.5 से 2 किलोवाट इन्होंने बढ़ाया है, लगभग उसको 2 किलोवाट बढ़ाया है, इस वजह से 2.5 किलोवाट के आसपास आप कह सकते हैं उसको इंक्रीज किया गया है, इस वजह से आपको अब पावर जो है थोड़ी ज्यादा मिलती है। एस्केलेशन टाइम इसी वजह से अब कम हो गया है, पहले 2.9 सेकेंड था लेकिन अब वो 2.6 सेकेंड हो गया है। इस अब पीक पावर उसकी 11 किलोवाट की हो गई, यानी कि परफॉर्मेंस बहुत ही तगड़ा मिलने वाला है, और अगर आप S1 Pro जो फर्स्ट जनरेशन चलाते हैं तो उससे आपको इसमें परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी मिलेगी, प्लस रेंज भी आपको ज्यादा मिलेगी। दोस्तों अब जो थर्ड मेजर अपडेट है, दोस्तों आपने अगर ध्यान दिया होगा कि एलॉय व्हील्स उसके भी डिजाइन चेंज किए गए हैं, एलॉय व्हील के साथ साथ दोस्तों जो मोटर, जो आपका टायर है, टायर भी चेंज किया गया है,
पहले जो टायर आते थे उसकी ग्रिप अलग थी, ब्रांड अलग था, MRF का था, लेकिन अब C8 के टायर आ रहे हैं। हाँ साइज सेम है, लेकिन ब्रांड और ग्रिप जो है वो पूरी की पूरी चेंज हुई है। और जो नेक्स्ट दोस्तों जो चेंज किया है कंपनी ने, वो ये किया है कि स्पीकर जो है उसको भी इन लोगों ने थोड़ा अच्छा बनाया है, थोड़ा सा उसको डिजाइन एक नया लुक देने की कोशिश की है। स्पीकर के बगल में पहले हुक एक मिसिंग रहता था S1 Pro फर्स्ट जनरेशन में, लेकिन अब सेकेंड जनरेशन में आपको हुक भी बराबर से मिल रहा है। तीसरा चीज दोस्तों जो मोटर है उसको भी इन्होंने कॉस्ट कटिंग की है, उसको इन लोगों ने थोड़ा कॉम्पैक्ट बनाने की कोशिश की है। इनफैक्ट मैं बात कर लूँ तो दोस्तों पूरा का पूरा जो स्कूटर है उसको एक कॉम्पैक्ट बनाने की कोशिश की है, कॉस्ट कटिंग की है। लेकिन आपके मन में यह ख्याल आता होगा कि कॉस्ट कटिंग की है लेकिन फिर भी प्राइस इतना क्यों हाई है, तो इसके पीछे ये कारण है दोस्तों FAME II सब्सिडी का। जो सब्सिडी मिलती थी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से हमारे मैन्युफैक्चरर्स को, वो सब्सिडी दोस्तों अब थोड़ी सी कम कर दी है पर कस्टमर्स के लिए। पहले जिस कस्टमर को 40,000 मिलते थे अप्रॉक्स, उनको अब 22,000 के आसपास मिलता है। तो इसी वजह से थोड़ा स्कूटर महंगा हुआ है, लेकिन स्कूटर के जो पार्ट्स है वो कॉस्ट कटिंग हुए, यानी कि पार्ट्स में थोड़ा बहुत रिडक्शन किया गया है ताकि आपको स्कूटर सस्ता पड़े और अच्छा एफिशिएंसी मिले। क्योंकि दोस्तों वेट बहुत ही जरूरी होता है किसी भी स्कूटर के लिए, अगर वेट बहुत ज्यादा है तो बैटरी ज्यादा खर्चा होगी तो आपको रेंज कम मिलेगी, और अगर आपका स्कूटर लाइट वेट है, स्ट्रॉन्ग है, हल्का है, तो इस वजह से आपको जो रेंज है वो थोड़ी ज्यादा मिलेगी, यानी कि जो एफिशिएंसी होती है वो थोड़ी बढ़ जाती है। तो इस वजह से स्कूटर को कॉस्ट कटिंग करके थोड़ा लाइट बनाने की कोशिश की है। तीसरा चीज दोस्तों जो आपने देखा होगा चेंज किया है स्कूटर्स में, तो सीट जो आपका कवर होता है बेल्ट कवर, उसको इस बार थोड़ा हटा दिया है। इसका देखिए एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है। एडवांटेज ये है कि आप जो बेल्ट की हेल्थ है उसको आप देख सकते हैं, आपकी आंखों के सामने रहेगा कि हाँ क्या उसकी हेल्थ वगैरह कैसी है। लेकिन डिसएडवांटेज ये भी है कि वो ब्रेक हो सकता है, धूल मिट्टी उस पर लग सकती है, तो ये भी थोड़ा एक डिसएडवांटेज है। दूसरा चीज कवर निकलने से थोड़ा सा नॉइस शायद उसमें आता है। दूसरा चीज दोस्तों जो चेंज किया गया है वो है वायरिंग हायरनेस, यानी कि पहले जो फर्स्ट जनरेशन वाले स्कूटर थे उसमें बहुत ज्यादा वायर के यूजेस हुए थे, जिस वजह से शॉर्ट जो सर्किट होता है उसका थोड़ा सा डर बना रहता है। अभी जो पुणे में भी एक इंसिडेंट आया था, और पहले भी इलेक्ट्रिक व्हीकल है तो उसमें शॉर्ट सर्किट होने का खतरा थोड़ा ज्यादा रहता है, इस वजह से इस बार इन्होंने ओला का जो सेकेंड जनरेशन है उसमें ये चीज किया गया ताकि वायर कम से कम यूज हो, और इस वजह से आपको जो है वायर वाला फायर वाला जो केस है वो भी थोड़ा कम देखने को मिले। दूसरा चीज दोस्तों जो चेंज हुआ है कि सीट हाइट आपकी इंक्रीज हुई है, यानी कि सीट थोड़ी हाइट आपकी इंक्रीज हुई है, लेकिन जो ग्राउंड क्लियरेंस होता है, मतलब जो हम लोग ग्राउंड से जैसे क्लियरेंस होता है वो जो है कम हुआ है, 5 mm का आपको देखने को मिलेगा, कमी आई है 5 mm की, लेकिन इतना मेजर कोई इश्यू नहीं है। दूसरा चीज दोस्तों सीट की जो क्वालिटी है वो भी थोड़ी इंक्रीज की गई है, वैसे कुशनिंग थोड़ी अच्छी की गई है, लेकिन बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि सीट जो है वो थोड़ी दब जाती है अंदर को। तीसरा चीज दोस्तों जो एक सेंट्रल कंट्रोल यूनिट होता है, यानी कि जो हम लोग की ओला की जो स्क्रीन होती है उसको भी पूरा का पूरा रीडिजाइन किया गया है, उसमें भी जो पार्ट्स है उसको पहले से थोड़ा रिड्यूस करके थोड़ा कॉस्ट इफेक्टिव मतलब बनाया गया ताकि आपको सस्ता पड़े और परफॉर्मेंस उसकी अच्छी मिले। इसी वजह से आपने देखा होगा कि जो रेजोल्यूशन था आपका S1 Pro फर्स्ट जनरेशन में, लेकिन अब सेकेंड जनरेशन में रेजोल्यूशन कम किया गया है, लेकिन परफॉर्मेंस में कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों जो नेक्स्ट चीज है, अब इन्होंने एडवांस्ड रीजन वाला भी एक इसमें लाया है ताकि एडवांस रीजन तो थोड़ा उसको और अच्छा किया गया है ताकि चार्जिंग आराम से ऑन द गो हो जाए। दोस्तों ये चीजें इन्होंने इसमें की है। दूसरा चीज दोस्तों जो चेंज किया है वो मेरे हिसाब से इन्होंने सॉफ्टवेयर अपना चेंज किया है, सॉफ्टवेयर इन्होंने अपना अपग्रेड किया, MOVOS 4 वाला इन्होंने सॉफ्टवेयर इसमें डाला है, मतलब डाल नहीं रहे हैं लेकिन आपको मिल जाता है, जब आपको स्कूटर मिलेगा तो आपको अपडेट आ जाएगा, तो आप लोग MOVOS 4 डाल सकते हैं, अब इंस्टॉल कर सकते हैं। उसकी वजह से क्या है आपका रेंज जो है वो बढ़ जाएगा, रेंज आपका जब बढ़ जाएगा और उसमें काफी सारे फीचर्स ऐसे ही हैं जैसे कि हिल होल्ड आपको मिल जाएगा, कॉन्सर्ट मोड इन्होंने चेंज कर दिया, पहले पार्टी मोड होता था अब कॉन्सर्ट मोड ले आए हैं, और दूसरा चीज जियो फेंस है ताकि आप अपने स्कूटर को एक पर्टिकुलर रेडियस में सेट कर सकते हैं, टाइमिंग का भी फेंस किया है, केयर मोड आपको मिल जाता है, तो ये सारी काफी सारे फीचर्स इसमें आपको मिल जाते हैं। तो दोस्तों ये पूरा का पूरा एक डिटेल कंपैरिजन था आपको लेकर के ओला S1 Pro फर्स्ट जनरेशन और सेकेंड जनरेशन। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि स्कूटर का हर एक चीज बदला है, मोटर, बैटरी पैक, फ्यूल,
फ्रेम, उसके बाद में जो आपका फ्लैट फुटबोर्ड किया है, प्रैक्टिकल बनाया गया स्कूटर को, प्रैक्टिकल साथ दोस्तों टायर, एलॉय व्हील्स, बेल्ट का जो लुक्स था वो भी थोड़ा चेंज किया है। दूसरा दोस्तों बूट्स जो स्पेस है वो मैंने आपको नहीं बताया, लेकिन बूट स्पेस भी दोस्तों 2 लीटर कम की गई है, इस वजह से थोड़ा सा आपको देखने को कम मिलेगा बूट स्पेस 2 लीटर का, लेकिन फिर भी बहुत है, 2 हेलमेट उसमें आराम से फिट हो जाते हैं। तो दोस्तों ये सब चेंजेस इसमें किया है। वायरिंग हार्नेस जैसे मैंने आपको बताया, बैटरी पैक पूरा का पूरा रीडिजाइन किया, मोटर पूरी पूरी रीडिजाइन है। तो दोस्तों एक तरीके से स्कूटर को काफी अच्छा बनाने की कोशिश की गई है। अभी थोड़े बहुत इंसिडेंट आ रहे हैं, लेकिन मैं होप करता हूँ कि आगे और किसी को ऐसा ना आए प्रॉब्लम, और सर्विसिंग भी मैं चाहूंगा कि ओला वाले इसको इंक्रीज दें। तो दोस्तों ये कुछ मेजर पॉइंट्स थे जो कि मैंने आपको बता दिया। अब दोस्तों बाकी और भी कोई इंफॉर्मेशन जैसे मुझे मिलती है तो मैं उसके बारे में अपडेट कर दूंगा आप लोग को। तो दोस्तों ये था वीडियो जो मैंने आपको बता दिया, पूरा एक डिटेल कंपैरिजन वीडियो था। दोस्तों बाकी आप लोग को वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा, और मेरे वीडियोस आपको कैसे लगते हैं ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। बाकी आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और कमेंट में मैं सबका रिप्लाई देता हूं, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।